हेलो एंड वेलकम आई डियर स्टूडेंट चलिए स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पे और चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखिए ये पीछे क्या लिखा हुआ है खूबसूरत सफर आज का शुरू हो सकता है जब हम कल को जाने देते हैं सीख लेते हैं इसका मतलब है कल तक अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े दोस्तों तो कोई बात नहीं आप जब ठान लेना कि आपको यहीं से मेहनत करना शुरू करना है और यही वो दिन है जो आपको आगे ले जा सकता है तो दोस्त निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ जाओगे जो पुरानी बातें बूझ गई हैं उनको भूल जाने दो और नए दिनों को आने दो नए शुरुआत करो देखते आज हम लोग को पढ़ना क्या है दोस्तों आज हम लोग को पढ़ना है पूरा सल्तनत काल पूरा सल्तनत काल हम लोग को पढ़ना है क्लियर है पूरा सल्तनत काल हम लोग को पढ़ना है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे पूरे सल्तनत काल के अंतर्गत हम लोग चाहे वो गुलाम वंश हो चाहे खिलजी हो चाहे तुगलक हो चाहे सैयद हो चाहे लोदी हो हम लोग पूरे को पढ़ेंगे क्लियर है हम लोग क्या करेंगे पूरे को पढ़ेंगे तो ये चीज हम लोग अब ध्यान देंगे और उसको पढ़ते रहेंगे इस चीज को आप ध्यान रखिएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है क्लियर है तो भैया चलिएगा अगले स्लाइड पे जाते हैं और पहले क्वेश्चंस की शुरुआत कर देते हैं जो पहला क्वेश्चन है दोस्त वो है ये कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए इसका मतलब है क्वेश्चन वहां से है जहां से मिडविल हिस्ट्री की कंप्लीट शुरुआत होती है वहां से क्वेश्चन कर रहा है क्लियर है तो जरा बताइएगा कि सिंध पर In, in, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है जरा बताइएगा दोस्त दोस्त इसका आ, जो सही आंसर है वो तो है आपका मोहम्मद बिन कासिम इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका मोहम्मद बिन कासिम क्लियर है इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद बिन कासिम और इस मोहम्मद बिन कासिम में इस मोहम्मद बिन कासिम में <clears throat> इस व्यक्ति ने भारत पे कब आक्रमण किया था 712 सात सौ बारह एडी में सात सौ बारह ने आक्रमण किया था ये वो पहला व्यक्ति कर, क्या, 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 कौ, कर, जजिया कर. जजिया कर लगाने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वो कौन था मोहम्मद बिन बिन कासिम, कासिम आक्रमण तो किया सात सौ बारह एडी में लेकिन इसके लगभग तीन सौ साल बाद तक भारत का जो इतिहास था वो बड़ा साइलेंट चला बड़ा साइलेंट चला उसके बाद एक हजार एक में इसी का या इसी इसी का या से से संबंधित संबंधित लोग, लोग जिनका नाम क्या था? एक हजार एक में उस का नाम था गजनवी। अब ये गजनवी भारत पे करना शुरू करता है, दोस्त इस गजनवी ने भारत पे सत्रह बार है। कितनी बार आक्रमण किया है सत्रह बार आक्रमण किया है इस चीज को ध्यान रखना और इसके गजनवी के साथ इस बहुत बड़े बड़े राइटर्स भारत आए हुए थे मोहम्मद गजनवी और गोरी के साथ दोस्तों इन्हीं के समय में, नाम का महान फिर दौसी नाम का महान इतिहासकार और ये दोनों इसी के समय आए थे मोहम्मद गजनवी को बुत सिकन भी कहा जाता है क्या कहा जाता है मोहम्मद गजनवी को मोहम्मद गजनवी को इस गजनवी को याद रखना दोस्त गजनवी को बुत सिकन मूर्ति तोड़ने वाला बुद्ध सिकन भी कहा जाता है मूर्ति तोड़ने वाला भी कहा जाता है इसके प्रमुख आक्रमण है 1001 हजार एक में विंद का युद्ध इसने जो भारत पे पहला आक्रमण किया 1001 हजार एक में विंद का युद्ध और बीच में 1017 वगैरह कई हैं सत्रह आक्रमण किया है लेकिन दोस्त मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा एक में इसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था किस पे सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था ये दो बहुत जरूरी है क्लियर है ये दो बहुत जरूरी है मूर्ति भंजा क्लियर है अभिक्षा सैनी जी यदि मैं चाहूं मैं ईमानदारी से बताऊं अभिक्षा कि मुझे कुछ मतलब अभी प्रॉब्लम सी महसूस हो रही है अपने हेल्थ को लेकर के मतलब मुझे बोलने में खुद प्रॉब्लम हो रही है मैं फिर भी एनर्जी के साथ बोलता हूं ताकि आप लोग तक कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन दूं और जब आप ही ये कहने लगोगे सर धीमे बोलिए धीमे पढ़ाइए तो एक घंटे में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा दोस्त जितना मेरे मन के अंदर आप लोग को देना है जाहिर सी बात है एक घंटे में पूरे मेडविल को कंक्लूड करना है तो तेज बोलना पड़ेगा जबकि आपको पूरे ईमानदारी से कैमरे पर स्वीकार करता हूं कि आज मैं दस मिनट पहले जब आ रहा था तो अपनी टीम से बोल रहा था यार पता नहीं क्यों बहुत तेज सर दर्द हो रहा है वो लोग बोले सर कहिए तो ना हो लेक्चर मैंने कहा नहीं यार लेक्चर तो होना चाहिए तो आप खुद समझिए कि अब मैं स्लो बोलूं या हार्ड बोलूं क्लियर है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अगला क्वेश्चन जो है दोस्त वो ये है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में रहा था लाइन लाइन बाय क्वेश्चन लाया हूं ताकि पूरा कवर किया जा सके तो भाई पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में रहा? आपको पता है ग्यारह सौ बानवे क्योंकि इस प्रथम वाले युद्ध में इस प्रथम में तो पृथ्वीराज चौहान जी वर्षे जब गोरी युद्ध हुआ तो इसमें तो जीता कौन इसमें जीता था आपका पृथ्वीराज चौहान क्लियर है जब दूसरा युद्ध हुआ दोस्त तब उसमें कौन जीता उसमें जीता था किस वाले में दूसरे वाले में जीता था मोहम्मद गोरी उसके अलावा दोस्त जब मोहम्मद गोरी ने इक्यानबे और बानवे का युद्ध जीत लिया इक्यानबे और का युद्ध लड़ा जयचंद से और ग्यारह सो चौरा और हारा कौन जयचंद हारा था इस युद्ध को क्या कहते हैं दोस्त चंदावर का युद्ध ग्यारह सौ चौरानबे चंदावर का युद्ध क्लियर है और इस तरीके से इस युद्ध के बाद यह तय हो चुका था भारत की किस्मत तय हो चुकी थी कि भारत अब गुलाम रहेगा और भारत गुलाम भी किसका रहेगा गुलामों का गुलाम रहेगा क्योंकि मोहम्मद गोरी जब मोहम्मद गोरी ने चंदावर का युद्ध जीत लिया तो मोहम्मद गोरी के पास तीन गुलाम हुआ करते थे जरा इस बात को एक मिनट समझना मोहम्मद गोरी जब मोहम्मद गोरी युद्ध जीत लिया तो इसके तीन गुलाम थे एक गुलाम का इसके नाम था यालदूज एक गुलाम का इसके नाम था कुबाचा और एक गुलाम का इसके नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक क्लियर है एक गुलाम का नाम था ऐबक अगर ये जम्मू एंड कश्मीर ऊपर का पोर्शन मान ले दोस्त तो कहीं गजनी ओजनी साइड में यालदूज कुवाचा सिंध साइड में और ऐबक यहां दिल्ली के पास शासन कर रहा था और दिल्ली के पास कहां शासन कर रहा था बदायूं बदायूं के पास जब इस मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 1200 छह ईस्वी में बारह सौ छह ईस्वी में जब इसकी मृत्यु होती है गोरी की तब इसके तीनों गुलाम जो जहां था वही का अपने आप को राजा घोषित कर दिया और ऐसी स्थिति में दिल्ली के पास था बदायूं में कुतुबुद्दीन ऐबक इसने अपने दिल्ली को दिल्ली का अपने आप को राजा घोषित किया सुल्तान वर्ड कहा। क्लियर है लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा क्योंकि वो ये मानता था कि उसका मालिक ही एकमात्र सुल्तान है वो तो सिपा सलार है क्लियर है वो तो सिपा सलार है चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं तो भैया इसका आंसर क्या है तराइन का द्वितीय युद्ध अगला क्वेश्चन अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया आंसर इजी है इसलिए मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे चला जाऊंगा भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया इसके प्रमुख निर्माण में एक आपका कुतुब मीनार है आ, हाँ बिल्कुल अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक इसका कुतुब मीनार है लेकिन सिर्फ शुरू किया था पूरा नहीं कर पाया था सिर्फ शुरू किया था पूरा नहीं कर पाया था उसके बाद दोस्त इसका अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये वाला तो है ही एक ये भी इसका निर्माण है उसके अलावा दोस्त इसने भारत की मध्यकाल की इस्लामिक शैली की पहली मस्जिद भी बनवाई थी दिल्ली में बनवाई थी क्लियर है जिसका नाम था कुवत उल इस्लाम मस्जिद ये जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद ये जो है भारत में इस्लामी शैली में मध्यकाल में बनी प्रथम मस्जिद है क्लियर है प्रथम मस्जिद है क्लियर है कुतुबुद्दीन इस कुतुब को कई नाम से जाना जाता है जरा इसके नाम सुनना क्योंकि ये अपने को कभी भी क्या नहीं बोला कभी भी सुल्तान नहीं बोला था इसने अपने आप को बोलता था सिपाह सलार ये अपने आप को सिपाह सलार कहता था ये लाख रुपए का दान हमेशा देता था दैट्स वाई ही आल्सो नोन एज लाख बक्स उसके अलावा हाथियों का दान देता था इसलिए इसे दोस्त पील बक्स भी बोला गया पील हाथियों को कहा जाता है पील बक्स भी बोला गया और कुतुब बहुत ही सुरीले स्वर में जो कि गुलाम का भारत में फाउंडर है बहुत ही सुरीले स्वर में कुरान शरीफ का पाठ किया करता था अरबी में इस इसके पाठ करने की वजह से इसे क्या बोला गया इसे कुरान खवा भी बोला गया क्लियर है इसे कुरान खवा नाम भी दिया गया कुरान खवा क्लियर है इसका एक नाम और पड़ा कुरान खवा ये सारे नाम किसके हैं कुतुबद्दीन बक्स, बक्स ये सारे नाम किसके हैं पील बक्स के क्लियर है तो जरा ध्यान रखिएगा और हां इसको लास्ट एक घंटे तक जुड़े रहना है दस बजे तक पूरा मेडविल हिस्ट्री लगभग ओवरव्यू में खत्म कर दूंगा क्लियर है लगभग ओवरव्यू में तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया 1206 से 10 तक कतुबद्दी ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया कुतउल इस्लाम मस्जिद बनाया अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया कुरान खवा सिपा सलार लाख बक्स और पील बक्स इसे कहा जाता है ऐबक को गुलाम वंश का फाउंडर कहा जाता है गुलाम वंश का फाउंडर कहा जाता है चलेगा लेकिन अगर रियल फाउंडर पूछ दे कि गुलाम वंश का या स्लेव डायनेस्टी का रियल फाउंडर कौन था तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश क्लियर है आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं निम्नलिखित को कला क्रमानुसार रखें ये सारे जो आप जानते हो कि जो आपका सल्तनत काल है जो आपका सल्तनत काल है दोस्त ये उसके सारे वंश हैं जो आपका 1206 से शुरू होकर 1526 सौ ईस्वी तक चला है अब इनका टाइम पीरियड है दोस्त इनको आपको मैनेज करना है क्लियर है तो इसके लिए जैसे जब मैं पढ़ाता हूं जब मैं क्या पढ़ाता हूं आपके जब मैं आपको पढ़ाता हूं उसके बारे में मगध के बारे में जब एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर ले रहा था तो मैंने बताया था कि मगध के राजाओं का क्रम क्या है तब मैं बोलता था हसीन मासूक सा मगध के राजाओं का क्रम है यहां पे मैं ये बोलूंगा कि अगर इनका क्रम याद रखना है तो दोस्त याद रखना गुलाब खिले तो सांस लो इनका क्रम क्या हो जाएगा गुलाब जरा समझना आंसर देना थोड़ा देर रोक करके समझ लेना गुलाब खिले याद कर लेना तो सांस लो ये एक छोटी सी कोडिंग है जो आपके संतनत वंश के सारे राजा खत्म हो गए सारे वंश ठीक है गुलाम से कौन सा हो जाएगा गुलाब से गुलाम वंश क्लियर है गुलाम वंश खिले से कौन सा हो जाएगा दोस्त खिलजी वंश खिले से कौन सा हो जाएगा खिलजी वंश उसके बाद दोस्त तो से कौन सा हो जाएगा तुगलक वंश तो से तुगलक वंश हो जाएगा दोस्त आपके साथ से कौन सा वंश हो जाएगा सैयद क्लियर है सैयद वंश हो जाएगा और लो से कौन सा वंश हो जाएगा लोधी वंश लो से कौन सा वंश हो जाएगा लोधी वंश अब आप सोच रहे होंगे सर ऑप्शन में तो इलबारी दिया हुआ है दोस्त याद रखना इसको इलबारी वंश या फिर गुलाम वंश या फिर इसे मामलूक वंश भी कहा जाता है मामलुक, इलबरी वंश या गुलाम वंश या मामलुक वंश भी इसे कहा जाता है क्लियर है अब जरा देखो गुलाब खिले तो सांस लो ये पहला है ये दूसरा है ये तीसरा है ये चौथा है ये पांचवा है मैनेज कर लीजिए अपने हिसाब से क्लियर है मैनेज कर लीजिए इसे इसे अपने हिसाब से तो जरा ध्यान रखिएगा योगी अरविंद जी खुश रहिए बेटा चलिए इस क्वेश्चन को मैनेज करिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और स्टूडेंट्स को जोड़िए ताकि सभी के पास अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचे क्लियर है बताइएगा दोस्त ये कोड पसंद आया गुलाब खिले तो सांस लो पूरे गुलाम वंश के सारे राजा कलेक्ट हो गए पूरे गुलाम वंश के सारे वंश और याद रखना गुलाम वंश को इलबरी तुर्क वंश भी कहा जाता है वंश भी कहा जाता है और इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है सभी को याद रहेगा बिल्कुल तो भैया गुलाब खिले तो सांस लो आंसर आप लोग अपने से टिक कर लीजिएगा क्योंकि समय कम है मैं दूसरे क्वेश्चन पे समय दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा क्लियर है दूसरे क्वेश्चन पे अच्छा इसके लिए अगर इनके राजाओं का नाम पूछे कि खिलजी वंश का फाउंडर कौन तुगलक वंश का कौन सैयद का कौन लोधी का कौन तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बता सकता हूं उस ट्रिक के जरिए आप फाउंडर और सल्तनत काल के सारे वंश याद रखो देखो वो ट्रिक जरा सुन लो जरा सा वो ट्रिक सुन लो यार देखो कोड क्या है कोड तो यही बना था ना गुलाब खिले तो सांस लो गुलाब खिले तो सांस लो मतलब गुलाम वंश खिलजी वंश तुगलक वंश सैयद वंश लोदी वंश इनके फाउंडर के नाम याद रखने के लिए जो यार मतलब एक छोटा सा मैंने खुद से ऐसे ही क्रिएट कर लिया वो कैसे हो सकता है कैसे जल गया खिचड़ी हम लोग खिचड़ी खूब कहते हैं ना खिचड़ी बेटा अगर ये लाइन याद है कैसे जल गया खिचड़ी बेटा तो इनके फाउंडर के नाम हो गए जैसे देखो अब जैसे जरा देखना दोस्त कैसे गुलाम वंश ये कौन सा वंश है आपका गुलाम यही है ना तो भैया ये क्या है कै कै में कै है तो ये क्या हो जाएगा कुतुबद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक फिर देखो खिलजी है खिल, खिल इसका मतलब क्या है खिलजी तो इसका फाउंडर कौन हुआ जल मतलब दोस्त इसका फाउंडर हो जाएगा जलालुद्दीन जलाल उद्दीन क्लियर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा क्लियर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तो से कौन सा वंश हो जाएगा तो से तुगलक वंश हो जाएगा तो से कौन सा वंश हो जाएगा तुगलक वंश हो जाएगा तो गया गया से गया सुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक जगह नहीं है इसलिए मुझे छोटा लिखना पड़ रहा है गयासुद्दीन तुगलक सर ये जो नीचे टैग लाइन चल रही है उसे हटा दें तो और क्लियर थोड़ा दिख जाएगा हमारे को फिर ला दीजिएगा ठीक है तो गया से गया तुगलक उसके बाद सास वर्ड है सास वर्ड से कौन सा हो जाएगा वंश सास से कौन सा हो जाएगा वंश तो वंश का खिचड़ी खिचड़ी में खी वर्ड है खी वर्ड है खी का मतलब है खिजर खां का मतलब है खिज्र खां। मतलब सैयद वंश का फाउंडर कौन है खिजर खां था क्लियर है सैयद वंश का खिजर खां लो लो से कौन सा वंश हो जाएगा लोदी वंश तो बे बेटा में बेटा में ब वर्ड है ना तो ब वर्ड से क्या हो जाएगा बहलोल लोदी बहलोल लोदी अब आपको सब पूरा गुलाम पूरा सल्तनत काल इसी में आ गया गुलाब खिले तो सांस लो सारे राजाओं का कोड है और कैसे जल गया खिचड़ी बेटा उनके फाउंडर्स का कोड है सभी को याद आ जाएगा से क्लियर है सभी को याद आ जाएगा कि इसका क्या सही आंसर है भैया तो ये चौथे क्वेश्चन का अब आप अपने हिसाब से आंसर ट्रिक कर लीजिएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं क्लियर है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं चलिएगा चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है अब यहां आने के बाद क्या हो जाता है कभी कभी कि मैं मिस कर जाता हूं भैया अगला क्वेश्चन question... पांचवा क्वेश्चन आ गया दिल्ली सल्तनत का बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था बहुत बढ़िया दिल्ली सल्तनत का महेंद्र कुमार गुज्जर जो आप लिख रहे हो कि पूरा कोर्स करवाओ सर मेरा पूरा कोर्स अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के अड्डा स्टोर पे पेड बैच पड़ा हुआ है प्लीज उसे परचेस कर लो मैं उसमें डेली हिस्ट्री एक से डेढ़ घंटे पढ़ाता हूं क्लियर है चलिएगा दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था कौन था दिल्ली सल्तनत का उद्धारक जरा यह बताइएगा दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था यह आपको बताना है तो भैया कोई और नहीं दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इलतुतमिस को माना जाता है इलतुतमिस चलिए आइए दो मिनट में इलतुतमिस के बारे में समझ लिया जाए कि इलतुतमिस के बारे में जरा समझा जाए इलतुतमिस दोस्त ये राजा बना 1210 में राजा से मेरा तात्पर्य सुल्तान से है सुल्तान से है मेरा तात्पर्य क्लियर है तो बारह में बना और बारह सो ईस्वी तक था कौन इलतुतमिस इल्तुत्मिस का कुछ काम सुनो इल्तुतमिश ने ए चहलगनी का निर्माण किया बहुत सारे लोग जब इसको नहीं पता रहता है तो शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं कि इसने चालीसा का निर्माण किया चालीसा क्या है ग्रुप ऑफ फोर्टी मेंबर्स लेकिन दोस्त चालीसा नहीं उसको शुद्ध शब्द है तुर्कान ए चहलगनी क्लियर है ने चहलगनी का निर्माण किया चालीसा का निर्माण किया इसने कुतुब मीनार पूरा करवाया कुतुब मीनार को इसने क्या किया पूरा किया ठीक है कुतुब मीनार का इसने पूरा किया उसके अलावा इलतुतमीस ने दोस्त टका और जीतल नाम के सिक्के चलाए टका और और जीतल नाम के चांदी और पीतल के चांदी पीतल सिक्के हुए थे उसके अलावा इस ने क्या किया दोस्त इकता प्रणाली शुरू की अब आप सोच रहे हो कि सर जरा एकता प्रणाली बता दो कि एकता प्रणाली क्या है दोस्त जैसे एकता मतलब होता है भू भाग भू मतलब जमीन भाग मतलब उसका टुकड़ा जैसे आज किसी के पास पहले के समय में सैलरी की जगह जगह क्या दे देता था अपने सैनिकों को जमीन दे दिया करता था कि जाओ और इस जमीन से आपको क्या करना है इस जमीन से आपको जो खेती करो और अपने वर्क को करो क्लियर है तो बलबन ही है नहीं जगेश्वर लोधी जी बलबन नहीं है उद्धारक इस इल्तुतमिस ने जरा उसका रीजन भी सुन लो पहले इकता समझा दो फिर इस क्वेश्चन का रीजन समझा दूंगा इस इल्तुतमिस ने सैलरी दिया आज जिसके पास जमीन है वो व्यक्ति जमींदार तो जिसको ये इकता देता था जमीन का टुकड़ा देता था उसे इकतादार कहा जाता था क्या कहा जाता था इकतादार अब क्वेश्चन क्या है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था मतलब दिल्ली सल्तनत को सबसे ज्यादा किसने एक्सपेंड किया मजबूत किया स्टेब्लिश किया दोस्त याद रखना दिल्ली सल्तनत का जो उद्धारक था वो कोई और नहीं इल्तुतमिश था इस बात का प्रमाण इस बात में छिपा हुआ है कि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा रूलर था जिसे बगदाद के खलीफा लोगों ने सर्टिफिकेट दिया कि तुम भारत में मुस्लिम धर्म को फैलाने में सबसे सफल हो तो के के सर्टिफिकेट मिला था इस बात का कि यू आर रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रिलीजन इन इंडिया क्योंकि भले ऐबक ने एक मस्जिद बनवाई थी लेकिन इसने अपने 1210 से 36 के कार्यकाल में बहुत सारे कार्य किए हैं मुस्लिम धर्म को स्टेबल करने के लिए क्लियर है दोस्त चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं इससे अच्छा इसी इल्तुतमिस की लड़की थी रजिया सुल्तान जो इसके मरने के बाद 1236 में शासक बनी और वहां से लेके 1240 तक रजिया सुल्तान शासक रही उससे एक ही क्वेश्चन पूछता है क्या कि भारत की प्रथम एवं आखिरी महिला मुस्लिम शासिका एक क्वेश्चन उससे आता है तो बारह तक बारह 40 तक की आपके रानी लक्ष्मी शासिका बनी चंद्रावती भी बनी दुर्गावती भी बनी लेकिन वो लोग महिला मुस्लिम शासिका नहीं थी क्लियर है चलिएगा अगले क्वेश्चन में जाते हैं अगला क्वेश्चन लेके आते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है ठीक है अगला क्वेश्चन में जाते हैं निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है वो कौन सा ऐसा इसमें शासक है जिसने चेहलगानी को क्या किया था जिसने चहलगानी को शासन दिया हुआ था उसको विनाश का किया हुआ था तो भैया ये आपको बताना है क्लियर है ये आपको बताना है जरा बताइएगा भाई इसका आंसर क्लियर है इसका जो आंसर है दोस्त वो क्या है इसका जो आंसर है वो है आपका बलबन इसका आंसर बलबन है क्लियर है बलबन बलबन गुलाम वंश में एक और महत्वपूर्ण राजा एक और महत्वपूर्ण राजा बलबन का जो टाइम पीरियड है दोस्त बारह से शुरू होकर बारह तक जाता है क्लियर है बलबन का टाइम पीरियड बलबन के बारे में जल्दी से सारे पॉइंट्स दोहरा लेते हैं इसने चहल गानी का विनाश किया एक पॉइंट तो आपको यही समझ में आ गया होगा उसके अलावा इसने और पैबोस प्रथा शुरू की सजदा और कौन सी प्रथा शुरू की पैबोश क्लियर है सजदा और पैबोश प्रथा इसने शुरू की इसने एक सैनिक विभाग की स्थापना की बलबन ने उस विभाग को कहा जाता था सैन्य अर्ज कई बार पूछा है कि सैन्य अर्ज है क्या यह एक सैनिक विभाग है जिसकी शुरुआत बलबन ने की थी उसके अलावा दोस्त इसने क्या किया इसने रक्त लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी आपसे पूछ सकता है कि वह कौन सा शासक है जिसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई तो लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था बलबन ने यह मानता था कि किंगशिप इसका यह मानना था कि ऊपर खुदा है और नीचे मैं हूं इसके अलावा बीच में कोई नहीं है और जो राजा होता है इसने एक सिद्धांत दिया था बलबन ने कि जो राजा होता है वो खुदा के बाद सबसे बड़ा होता है और वो खुदा का ही एक तरीके से मैसेंजर होता है तो उसका सम्मान सबसे ज्यादा करो क्लियर है दोस्त सबसे ज्यादा करो तो ये याद रखिएगा उसके अलावा दोस्त इसने चहलगनी का विकास किया सजदा प्रथा क्या थी राजा के सामने जाकर ऐसे झुक करके प्रणाम करना दैट इज सजदा पैबोस प्रथा क्या थी पहले आप मुस्लिम सीरियल जो बहुत सारे मुस्लिम कल्चर से प्रभावित आते हैं यदि आप उन सीरियल्स में देखें तो वो नहीं हाथ को ऐसे पकड़ करके ऐसे आंख पे लगाते हैं वो सम्मान देने का एक तरीका इसको यह लगता था क्योंकि यह गरीब लोगों से बहुत नफरत करता था नीची जाति के लोगों से बलबन बहुत नफरत करता था तो ये सोचता था कि ये पता नहीं कहां कहां से सब चले आते हैं और मेरे ऐसे हाथ को पकड़ के आंख पे लगाते हैं ये मुझको छू भी नहीं सकते गरीब लोग और नीचे जाति के लोग तो इसने क्या किया बोला कि देखो अब तुम लोग जब दरबार में सामने से आओगे ना तो तुम लोग बस मेरे पैर पे किस करोगे वो भी जूते पे जूते पे किस करो और निकल लो दैट इज पैबोस मतलब राजा के चरणों को चूमना और राजा के सामने झुक करके प्रणाम करना दैट इज सजदा एंड दैट इज पैबोस ठीक है चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज किसने बल्बन ने प्रवर्तन किया भैया आंसर इजी है बलबन ने बलबन ने ही नवरोज मैं चाहता तो पिछले में ही बता देता कि बलबन ने नवरोज त्यौहार शुरू किया था यह क्वेश्चन कई बार पूछता है कि नवरोज त्यौहार किसने शुरू किया था तो बलबन ने शुरू किया था क्लियर है अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है क्लियर है अगला क्वेश्चन क्या है यह देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर दे लोगे क्योंकि इसके लिए हम लोग कोड क्या बनाए थे गुलाब खिले तो सास लो गुलाब खिले तो सांस लो बोल रहा है खिलजी से तुरंत पहले और खिलजी के तुरंत बाद तो यहां पे तुगलक वंश आएगा और यहां पे खिलजी से तुरंत पहले गुलाम वंश या इसी को हम लोग क्या कहते हैं इलबारी तुर्क वंश या इसी को क्या कहते हैं मामलूक वंश तो गुलाम वंश और तुगलक किसमें ऑप्शन है भाई कहीं है यस सी ऑप्शन क्लियर है आसान हो गया बिल्कुल दोस्त अभी भी यदि कुछ लोग गलत कर रहे हो जैसे जगेश्वर लोधी तुमने अभी भी बी ऑप्शन किया दोस्त अब कैसे बी होगा क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो अब गलत करने का क्या मतलब बैठता है अब गलत करने का क्या मतलब बैठता है जब यह हो गया क्लियर है चलिए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और उस क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है तो धैर्य रख करके भैया शेयर नहीं करोगे लाइक like नहीं करोगे तो इतनी एनर्जी कहां से आएगी एनर्जी लाने के लिए दोस्त शेयर और लाइक like बनता तो है ना नहीं तो किसी दिन आओ यहां खड़ा होकर के पूरी एनर्जी से चिल्लाओ समझ में आ जाएगा कि भाई एनर्जी लगती है चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे Uh, स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर कहने वाला सुल्तान इस क्वेश्चन में मैं तीन से चार मिनट लूंगा और पूरा अलाउद्दीन खिलजी आपको समझा दूंगा क्योंकि दोस्त जरा समझना इसका आंसर तो है अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का फाउंडर कौन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बारह सौ ईस्वी में इसी का चाचा अलाउद्दीन खिलजी का चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इस अलाउद्दीन खिलजी को कई नाम से जाना जाता है जैसे दोस्त इसे जनता का चरवाहा भी कहा जाता है जनता का चारा वाहा। इसी अलाउद्दीन खिलजी को दोस्त युग का विजेता भी, भी कहा जाता है संभवतः ये नाम आपको मिले नहीं होंगे जरा सर्च के करके मतलब आप पढ़ लीजिए कम से कम आप युग का विजेता और दोस्त इसे अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर यहां तो यह लिखा ही है उसके अलावा दोस्त इसे आपके जनता का चरवाहा विश्व के सुल्तानों का सुल्तान भी कहा जाता है विश्व के सुल्तानों का सुल्तान सुल्तानों का सुल्तान भी इस व्यक्ति को कहा जाता है किसको अलाउद्दीन खिलजी को ये सारे नाम अलाउद्दीन खिलजी के हैं मतलब एक नाम दो नाम तीन नाम चार नाम मिनिमम पांच नाम तो भाई साहब के हैं ही है। क्लियर है अब जरा दोस्त नए किशन नया धर्म शुरू करना चाहता था लेकिन किया नहीं बल्कि आपको बताएं कि अब ये तो इसके नाम हो गए चलो जरा अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण दोहरा लिया जाए इसके निर्माण दोहराया जाए तो निर्माण में इसके जो है जैसे खिलजी के निर्माण ठीक है खिलजी के निर्माण देखा जाए एक्चुअली ये एक नया धर्म भी शुरू करना चाहता था और दिल्ली में कुतुब मीनार से बड़ी एक मीनार बनवाना चाहता था शायद ये जिंदा रहता तो वो मीनार भी बन गई होती उस मीनार का नाम था अलई मीनार अभी कल के सीजीएल के पेपर में शायद ये क्वेश्चन आया था कल या परसों के सीजीएल के पेपर में आया था अलई मीनार किसने बनवाया यही क्वेश्चन आया था और दोस्त अलई मीनार के अलावा इसका एक निर्माण है अलई दरवाजा अलई दरवाजा भी इसका एक है क्लियर है मीनार अलई दरवाजा उसके अलावा दोस्त इसने दिल्ली में हौज हौज खास खास का खास का निर्माण निर्माण करवाया करवाया उसके अलावा दोस्त इसने थाउजेंड पिलर फोर्ट हजार खंभा महल का भी निर्माण करवाया हजार खंभा महल का निर्माण करवाया उसके अलावा इसने दोस्त सीरी का किला इसने सीरी का किला बनवाया है। उसके अलावा दोस्त इसने इसनेमियत खाना मस्जिद बनवाया खाना मस्जिद क्या बनवाया खाना भी बनवाया इतने निर्माण हैं अलाउद्दीन खिलजी के अलई दरवाजा अलई मीनार हजार हौज खास हजार खंबा महल जिसे आप सितून महल भी कहते हो सितून महल भी कहते हो ठीक है उसके बाद सीरी का किला और जमिया खाना मस्जिद ठीक है हाँ बिल्कुल किशन ठाकुर जो आप ये बोल रहे हो दोस्त किसने अलई दरवाजा बनवाया था सर ये क्वेश्चन कल वाले सीजीएल में था बिल्कुल किशन मुझे पता है क्योंकि मैं सीजीएल का एनालिसिस कराता रहता हूं आज दोपहर ग्यारह बजे भी जो सीजीएल का प्री खत्म होगा उसका एनालिसिस है क्लियर है है दोस्त उसका एनालिसिस और मैं यही बता दू की अब आज के बाद मेरे लेक्चर होली के बाद होंगे तो ये नहीं होगा कि यूट्यूब से आसुतोष सर कहा गायब हो गए भाई तीन चार दिन की होली की छुट्टियां हैं आज के बाद लगभग वो शुरू हो जा रही है तो आई थिंक बारह तारीख से फिर आपसे मुलाकात होना शुरू हो जाएगी क्लियर है चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन जो है दोस्त वो ये अच्छा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अभी बात हो रही थी हम लोग इसके नाम का बात किए हम लोग इसके निर्माण का बात किए उसके अलावा दोस्त तीन चार बातें जल्दी जल्दी बता दू अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा जाना जाता था अपने मार्केट रिफॉर्म के लिए बाजार नियंत्रण के लिए क्लियर है मार्केट रिफॉर्म या फिर बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता था इसके लिए इसने एक नए पद की शुरुआत की थी सहना ए मंडी क्लियर है सहना ए मंडी की शुरुआत की थी उसके अलावा दोस्त इसने कुछ नए कुछ नई चीजों की शुरुआत की थी कुछ नए प्रथाओं की इसने दाग प्रथा शुरू की थी यह जानवरों को हल्का हल्का घोड़ों को जलवा देता था ताकि पहचान रहे युद्धों में वो बिखरे ना घोड़ों के ऊपर जो इसका राजकीय चिन्ह रहता था उससे वो उनको दोबारा सैनिकों के जरिए लगा दाग प्रथा इसने हुलिया प्रथा शुरू की थी सैनिकों का ड्रेस कोड तय किया इसने भारत में नगद वेतन की शुरुआत की थी कैश इन की शुरुआत की थी उसके अलावा इसने भारत में सेना की शुरुआत की थी परमानेंट आर्मी की भी इसी ने शुरुआत की थी तो दाग प्रथा हुलिया प्रथा नगद वेतन और स्थाई सेना यह सब शुरू करने वाला कौन अलाउद्दीन खिलजी क्लियर है यह सब शुरू करने वाला कौन अलाउद्दीन खिलजी क्लियर है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता था निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता था भारत का तोता किसे कहा जाता था जरा बताइएगा भारत का तोता भैया क्वेश्चन तो आसान है मैंने बताया था जनता का चरवाहा युग का विजेता विश्व के सुल्तानों का सुल्तान ये सब अलाउद्दीन खिलजी के नाम थे किसने दिया था तो आमिर खुसरो ने दिया था आमिर खुसरो ने दिया था इसकी किताब थी खजाइनूल खजाइन फुतूह आमिर खुसरो की किताब का नाम है खजाइनुल फुतूह क्लियर है उसी किताब में इसने अलाउद्दीन खिलजी को कई नाम दिए उसके अलावा आमिर खुसरो सात सुल्तानों के दरबार में रहा है सात सुल्तान के दरबार में क्लियर है खुसरो खुसरो सात सुल्तानों के दरबार में रहा है से रेलवे में कई क्वेश्चन पूछा है आमिर खुसरो को दोस्तों भारत में तबला का सितार का और कव्वाली का जनक माना जाता है रेलवे के पेपर में पूछा था कि कव्वाली का जनक भारत में किसे माना जाता है आमिर खुसरो को माना जाता है किसका किसका दोस्त इसको जनक माना जाता है तबला सितार और कव्वाली ठीक है और कव्वाली का जनक क्लियर है तबला सितार और कव्वाली का जनक कौन है आमिर खुसरो है रेलवे में इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे इसको तोता ए हिंद और इसकी किताब का नाम है खजाइनुल उल और अगर क्वेश्चन पूछे कि आमिर खुसरो किस किस सुल्तान के दरबार से अपना करियर शुरू किया था सात सुल्तानों में याद रखना ये सबसे पहले नौकरी किया था बलबन के दरबार में बलबन के दरबार में लेकिन सबसे लंबे समय तक ये किसके दरबार में टिका तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में टिका था क्लियर है <ुझाँ lounge> बिल्कुल बिल्कुल दोस्त भैया शेयर करना शुरू करिए शेयर करना शुरू करिए लाइक करना शुरू करिए सब्सक्राइब करना शुरू करिए क्योंकि वो जरूरी है

फिरोज तुगलक भाई देखो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जजिया कर की शुरुआत 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने की थी लेकिन ब्राह्मणों पर बंद किए थे 24 प्रकार के करों को बंद किया था यह पूछता है दोस्त बंद किया इन चौबीस प्रकार के कर को टैक्स को क्या कहा जाता था यह पूछा है आव बाब कहा जाता था। इन 24 प्रकार के टैक्स को आओ बाप कहा जाता था उसके अलावा दोस्त इसने 24 प्रकार के कर बंद करके चार प्रकार के कर शुरू किए थे उन चार करों का नाम पूछता है कौन सा एक तो जजिया लेकिन जजिया सिर्फ किन पे ब्राह्मण पे जजिया जकात खराज और खम्स जजिया जकात खराज और खम्स ये इसने चार प्रकार के नए कर शुरू किए थे इसने भारत में कई विभागों की शुरुआत की है उन विभागों से क्वेश्चन आता है मैं इसको मिटा रहा हूँ याद रखना चौबीस प्रकार के कर को बंद करके चार प्रकार के कर शुरू किया इन चौबीस प्रकार के करों को आब कहा जाता था और इसके द्वारा दोस्त इसके द्वारा बन... इसने कौन कौन से विभाग शुरू किए फिरोज सात तुगलक ने इसने शुरू किया था आपका दीवान ए दीवान ए इस्तिहाक इसने एक विभाग शुरू किया था दीवान ए इस्तिहाक ये कौन सा विभाग था भैया तो पेंशन विभाग था कौन सा विभाग था तो पेंशन विभाग था उसके अलावा दोस्त इसने एक हॉस्पिटल शुरू किया था दारुल सिफा इसका ये क्या था ये भी क्वेश्चन सीजीएल का रहा है कि दारुल सिफा क्या है दोस्त ये इसका एक हॉस्पिटल था क्लियर है हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल था दारुल सिफा उसके अलावा दोस्त इसने दीवान दीवान ए खैरत दीवान ए खैरत शुरू किया था एक नया विभाग ये इसका कैसा विभाग था दोस्त तो डोनेशन डिपार्टमेंट था या फिर दान विभाग था डोनेशन डिपार्टमेंट या दान विभाग उसके अलावा दोस्त इसने दीवान ए दीवान ए बंदगान शुरू किया था दीवान ए बंदगान युद्धों में और इसके जो नौकर रहते थे उनको बंदी बना करके रखता था तो यह एक प्रकार का गुलाम विभाग था स्लेव डिपार्टमेंट था गुलाम विभाग था क्लियर है। उसके अलावा दोस्त इस फिरोज तुगलक ने दो प्रकार के नए सिक्के जारी किए थे उन दो प्रकार के नए सिक्कों को क्या कहा जाता था एक सिक्के को कहा जाता था अधा और एक सिक्के को कहा जाता था विक अधा और विक प्रकार के इसने दो नए सिक्के जारी किए थे और विक इसने दो नए सिक्के जारी किए थे बात आपको क्या रखना होगा ध्यान रखना होगा साथ ही साथ दोस्त और विक वो जो इसने किया मैंने भी कुछ किया लेकिन मैं क्या बताऊं आपके अधा और विक नाम के सिक्के जारी किए उसके अलावा दोस्त आपको मैं बताऊं कि इस व्यक्ति ने फिरोज शाह तुगलक ने एक पूछता है कि सल्तनत काल का सबसे भ्रष्ट काल किसका माना जाता है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्त वो है फिरोज तुगलक याद रखना सल्तनत काल में जितने भी राजाओं ने शासन किया उसमें सबसे भ्रष्ट काल माना जाता है फिरोज शाह तुगलक का इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी फतुहात ए फिरोज शाही क्लियर है क्या लिखी थी फतुहात ए फिरोज शाही नाम से इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी हुई थी क्लियर है ध्यान रखेंगे और दोस्त इस मोहम्मद अगला क्वेश्चन क्या जरा देख लू तो मैं ठीक है लेकिन मैं उससे पहले इस पे इस मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड जरा क्वेश्चन जान लो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक सनकी शासक पैसे वालों का शासक कहा जाता है क्लियर है ये आप ध्यान रखिएगा पागल शासक सनकी किसको मोहम्मद बिन तुगलक को क्लियर है ये चीज आप जान किसी ना किसी क्वेश्चन में पागल शासक आई जाएगा मैं उसको लूंगा इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो गई तो भैया अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक शासन किया भैया मैंने कोड बताया हुआ है सल्तनत काल के लिए क्या गुलाब खिले तो सांस लो गुलाब खिले तो सांस लो जो लोग लेट आए हैं उनके लिए यार एक बार बता दूं नहीं यार वो भी तो हमारे स्टूडेंट हैं दोस्त गुलाब से क्या हो जाएगा गुलाम वंश ये अपने क्रम में है सल्तनत काल खिले से क्या हो जाएगा खिलजी वंश खिलजी वंश तो से क्या हो जाएगा तुगलक वंश और सात से क्या हो जाएगा वंश सैयद वंश और लो से क्या हो जाएगा लोधी वंश क्लियर है लोधी वंश ये सब अपने क्रम में लगे हुए हैं कभी कभी क्रम मैनेज करने को आता है अब आपसे पूछ रहा है कि इनका जरा हमको टाइम पीरियड टाइम पीरियड मैं बता दे रहा हूं आप खुद जोड़ लीजिएगा गुलाम वंश बारह से लेकर बारह खिलजी वंश बारह सौ नब्बे से लेकर तेरह सौ बीस तुगलक वंश तेरह सौ बीस से लेकर चौदह सौ चौदह सैयद वंश चौदह सौ चौदह से लेकर चौदह सौ इक्यावन लोधी वंश चौदह सौ इक्यावन से लेकर पंद्रह सौ छब्बीस चौदह सो इक्यावन से पंद्रह छब्बीस अब आप खुद देख लीजिए किसका शासनकाल सबसे लंबा रहा और और साथ साथ ही मैंने एक कोड बताया था जो हमारे नए स्टूडेंट जुड़े उनके लिए बता दूं एक ट्रिक और बताया था वो क्या गुलाब खिले तो सांस लो ये तो सल्तनत काल के सारे वंश हो गए इनके यदि फाउंडर के नाम याद रखने हैं तो भैया उसका कोड क्या बना था कैसे जल गया खिचड़ी बेटा कैसे जल गया खिचड़ी बेटा कैसे से कुतुबुद्दीन ऐबक वो किसका फाउंडर हो गया गुलाम वंश का फाउंडर हो गया याद ही होगा जल से क्या हो गया जलाल उद्दीन जल से क्या हो गया जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी वो किस वंश का फाउंडर हो गया खिलजी वंश का हो गया 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 से क्या हो गया गया सुद्दीन तुगलक भैया जो लेट जुड़े हैं वो भी एक बार देख ले गया सुद्दीन तुगलक खिचड़ी सैयद वंश का ख वर्ड है ख से खिजर खां खा से खिजर खां हो गया और बेटा में ब वर्ड है ब से क्या हो गया लोदी वंश का फाउंडर बहलोल लोधी हो गया लोधी वंश का फाउंडर बहलोल लोधी यदि आपको यह याद है गुलाब खिले तो साफ लोग कैसे जल गया खिचड़ी बेटा तो भैया सारी समस्या खत्म इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे ना ठीक है <laughs> Uh, किशन ठाकुर लिख रहे हैं सर जल गया ध्यान न देने से इसी तरह किशन ठाकुर यदि मेरे लेक्चर पे ध्यान तुम्हारा नहीं होगा कमेंट पे होगा तो भैया तुम भी सीजीएल से जल सकते हो क्लियर है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो मेरे दोस्त थोड़ा ध्यान से पढ़ो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसका आंसर आप लोग की जिम्मेदारी है टिक कर लीजिएगा मुझ में नहीं टिक करूंगा क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं अगला क्वेश्चन इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था बहुत बेहतरीन इबन बतूता भैया मैं अभी बता दू मैंने कहा था ना कि मोहम्मद बिन तुगलक कहीं तो फंसेंगे फंस गए मोहम्मद बिन तुगलक कहीं तो फंसेंगे फंस गए इन्हीं के शासन काल में इबन बतूता आया था अब जरा समझना इबन बतूता ये कहां का था दोस्त तो मोरक्को का था ये कहां का था मोरक्को मोरक्को कहां पड़ता है दोस्त तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है इबन बतूता की किताब का नाम क्या है दोस्त तो रेहला रेहला नामक इसकी किताब है और इस रेहला किताब में इस रेहला किताब में इसने क्या किया इसने तुगलक वंश के बारे में जानकारी दी इसने तुगलक वंश के बारे में जानकारी दी इसने तुगलक वंश के बारे में जानकारी दी रेहला किताब में तो कभी कभी आपसे पूछता है तुगलक वंश के, तो के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है तो रेहला किताब से मिलती है क्लियर है 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 तुगलक वंश के बारे में जानकारी हमें कहां से से मिलती मिलती तो रेहला किताब ध्यान रखेंगे सभी लोग उसके अलावा दोस्त मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुनो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक सनकी शासक और पैसे वालों का शासक कहा जाता था और मोहम्मद बिन तुगलक इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर और बुक्का ने विजयनगर और बहमन शाह ने बहमनी किंगडम बसा दे वो क्वेश्चन आगे आएगा मैं वहां एक्सप्लेन करूंगा उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक से तीन पॉइंट याद रखना इसने दोआब एरिया में कर वृद्धि कर दी थी इसने देवगिरी से मतलब दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी दौलताबाद को ही देवगिरी कहते हैं इसने राजधानी परिवर्तित किया था और तीसरी बात कि दोआब एरिया में कर वृद्धि इसने दो नए लोन दिए थे वो लोन लोगों को नहीं याद आता है एक इसने नया लोन शुरू किया था सोनधार और एक शुरू किया था तकावी ये दोनों जानते हो दोस्त क्या है एक प्रकार का एग्रीकल्चर लोन है जब किसानों के यहां सूखा पड़ जाता था तब ये शुरू करता था सोंधार और तकावी लोन कि भैया लोन लो खेती करो और हमको टैक्स दो तो सोंधार और तकावी टैक्स भी मोहम्मद बिन तुगलक ही शुरू किया था क्लियर है इसका सबसे विवादित निर्णय जो माना जाता है सांकेतिक मुद्रा चलाना टोकन करेंसी टोकन करेंसी चलाना सोंधार तकावी चलाना राजधानी परिवर्तन करना दुआब एरिया में कर वृद्धि करना

रेहला इसके समय आया जिसने रेहला नामक किताब लिखी मोरक्को के राइटर ने चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाते है और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन क्या है ये कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी भैया ऐसा राजा जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी याद रखना कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद नामक पुस्तक लिखी थी यार ये जो कृष्णदेव राय है ना मैं अगला क्वेश्चन इसलिए देखना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट में मुझे क्या समझाना है अच्छा ताली कोटा अच्छा कृष्णदेव राय बाबर ने जो अपनी किताब लिखी थी बाबरनामा बाबर ने बाबरनामा में इसी शासक का जिक्र किया है अगर पूछे कि बाबर ने में किस दक्षिण भारतीय शासक का जिक्र किया है तो कृष्ण देव राय का और अगर पूछे कि किस उत्तर भारतीय शासक का जिक्र किया है तो याद रखना राणा सांगा का क्लियर है उत्तर भारतीय में राणा सांगा का जिक्र है बाबरनामा में और दक्षिण भारत में कृष्ण देव राय इस कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे जो आठ तेलुगु के प्रधान कवि हुआ करते थे क्लियर है दोस्त याद रखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने ताली कोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई दोस्त याद रखना जो आपके हरिहर और बुक्का थे हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किसकी स्थापना की विजय नगर की स्थापना की और दोस्त एक व्यक्ति था जिसका नाम था बहमन शाह बहमन शाह इस बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की बहमनी राज्य की और दोस्त इसी बहमन शाह को हम लोग हसन गंगू भी कहते हैं हसन गंगू भी कहते हैं तो विजय नगर और बहमनी के बीच में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी और हुई थी पंद्रह ईस्वी में और इस युद्ध में हारा कौन था तो दोस्त याद रखना इस में हारा क्लियर है, हारा था और आपको बता दूं इसको ताली कोटा का युद्ध या फिर हट्टी का युद्ध भी कहते हैं हट्टी का युद्ध भी कहते हैं हट्टी का युद्ध भी कहते हैं।, युद हैं या फिर दोस्त इसे कृष्ण का युद्ध भी कहते हैं या फिर इसे कृष्ण का युद्ध भी कहते हैं या फिर इसे दोस्त राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं राक्षसी तांगड़ी युद्ध क्लियर है तो चाहे आप इसे तालीकोटा का युद्ध कहें चाहे बनीहट्टी का युद्ध कहें चाहे यूरोपीय राइटर के अनुसार कृष्ण का का युद्ध का चाहे तांगड़ी का युद्ध कहें कहें चाहे राक्षसी तांगड़ी इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछता है क्या पूछता है कि किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य कंप्लीटली समाप्त हो गया तो इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन रहेगा क्योंकि या 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 करके हैं क्लियर है विजयनगर जिसका फाउंडर हरिहर और

जाए बिल्कुल चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं अगला क्वेश्चन चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था राणा क्लियर है, है तो राणा कुंभा, कुंभा रेलवे में पूछता है क्लियर है यह क्वेश्चन अक्सर रेलवे में पूछता है अगले क्वेश्चन पे जाते हैं देखते अगला क्वेश्चन क्या है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था भैया आसान है बहमनी राज्य का संस्थापक बहमन शाह या हसन गंगू इसका नाम क्या था हसन गंगू या फिर हसन गंगू था क्लियर है सम्राज्य। क्लियर है याद रखेगा अगला क्वेश्चन जाते हैं दोस्त अच्छा यहां पे एक आपको और बता दें विजयनगर के बारे में विजयनगर से एक क्वेश्चन आता है कि विजयनगर पे किन चार राजवंशों ने राज किया तो सबसे पहले राज किया था संगम वंश ने फिर सालुव वंश ने फिर तुलुव वंश ने तुलू वंश ने और फिर आरविडु वंश ने ये मैंने कल भी बताया था आरविडु वंश क्योंकि ये पूछ देता है दोस्त, ये लाइन में है क्लियर है उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों अब हमारी आपकी मुलाकात होली के बाद होगी मतलब 10 10 11 तारीख को तो होली है 11 तारीख तारीख को तो तो आप आओगे नहीं नहीं हम भी संभव रहेंगे 12 से आपसे हमारी मुलाकात फिर से होगी तब तक तीन चार दिन अभी मैं एनालाइजर में हूं दोपहर में ग्यारह बजे एनालाइजर है अड्डा पे दो बजे एनालाइजर है उसमें भी मुलाकात होगी लेकिन दोस्त मैं पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि त्योहार आता है सेलिब्रेट करने के लिए हाँ पूरे दिन नहीं चार घंटा पढ़ना भी चाहिए क्लियर है तो हम हम लोग अब आने वाले तीन चार दिन तक आप भी हम भी सेलिब्रेट किया जाएगा बारह तारीख से हमारी आपकी मुलाकात फिर संभव है क्लियर है मेरे दोस्तों संभव क्या बिल्कुल संभव है तो जुड़िएगा मुझसे और ग्यारह बजे में जुड़िएगा तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत thank you